खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मॉर्निंग प्राइम टाइम में अब आपको बता देते हैं अपराध की सभी बड़ी खबरें सिर्फ 100 सेकंड में। पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में गैंग वॉर, बाइक पर आए बदमाशों ने सेंट्रो कार में सवार दो लोगों को गोलियों से भूना। दिल्ली के बलसवा डेरी इलाके में चंद्रशेखर नाम के प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 25,000 के इनामी बदमाश मोहम्मद इकबाल सैफी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक शख्स की पीट पीट कर हत्या, इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के मुरादाबाद में आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रही छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी हेड कांस्टेबल का बेटा गिरफ्तार, सीएम योगी से की थी शिकायत। यूपी के शाहजहांपुर में दो गुटों के बीच झगड़े में चली गोलियां, दो युवकों की मौत। यूपी के अयोध्या में गेहूं चोरी करने के शक में नाबालिग की हाथ पैर बांधकर बेरहमी से पिटाई। यूपी के हरदोई में नगर पालिका अध्यक्ष के घर पत्थरबाजी और फायरिंग में तीन लोग जख्मी, बीजेपी विधायक के समर्थकों पर हमला करवाने का आरोप। यूपी के महोबा में बुजुर्ग किसान ने बिजली विभाग की जबरन वसूली से तंग आकर खुदकुशी की। पंजाब के मुक्तसर में कांग्रेस नेता राकेश चौधरी के भाई पर पड़ोस में रहने वाली महिला को बेल्ट से पीटने का आरोप। हरियाणा के फरीदाबाद में दबिश के लिए पहुंचे पुलिसकर्मी पर बदमाश और उसकी मां ने किया हमला, दोनों पकड़े गए। हरियाणा के रोहतक में पीजीआई छात्र के सुसाइड केस में एचओडी के खिलाफ केस दर्ज, बहन की शादी के लिए नहीं दी थी छुट्टी, परेशान छात्र ने कर लिया था सुसाइड। बिहार के छपरा में ट्रक ड्राइवर की चाकू से गोद कर हत्या। शिरडी में हाथ में पिस्टल लेकर टिकटॉक ऐप से वीडियो बना रहे 17 साल के लड़के को लगी गोली, मौके पर मौत।